हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 56 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल की अपडेट से। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि जिमी किमेल लाइव शो में एंथनी मैकी से जब ये सवाल किया गया कि क्या एमसीयू में स्टीव रॉजर्स जिंदा है, क्योंकि एंड गेम के बाद उन्हें कभी नहीं दिखाया गया, जिस पर एंथनी ने कहा कि यही तो आपका जवाब है, अगर वो मरते नहीं दिखे हैं यानी वो जिंदा है। तो गाइस, अब ये आप कंफर्म मानकर चल सकते हो कि स्टीव रॉजर्स जिंदा है। वैसे इन फ्यूचर स्टीव किसी ना किसी इवेंट में तो जरूर दिखेगा, ये तो फिक्स है, बट ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो कभी एमसीयू में कैप्टन के किसी वेरिएंट को दिखाते हैं या नहीं। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है कि डिज्नी 23 मैगजीन के स्प्रिंग 2023 के इशू के लिए बात करते हुए मैंटिस का रोल करने वाली एक्ट्रेस पॉम क्लेमेंटिफ ने बताया कि आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 सीधा उनके हॉलीडे स्पेशल से कनेक्ट होने वाली है, जहां इस बार क्विल और मैंटिस के बीच का कनेक्शन और स्ट्रांग होने वाला है। वहीं आगे बताया गया कि क्रैगलिन भी इस बार गार्डियंस की टीम में काफी करीब आ जाएगा योंडू के जाने की वजह से। अब ये सब किस तरह होगा उस पे जेम्स गन ने कह दिया कि इसके लिए तो आप सबको मूवी ही देखनी पड़ेगी। वेल, अब वॉल्यूम 3 को लेके होप्स तो काफी हाई हैं और जेम्स गन डिलीवर भी करेगा। अब अगली अपडेट एक प्योर रूमर है। इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने ये रिपोर्ट दी है कि अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के डिले होने की वजह है कि उसमें अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडी को लाया जाने वाला है। अब अगर आप सबको याद हो तो स्पाइडर वर्स पहले अप्रैल 2022 में आने वाली थी, जिसे बाद में जून 2023 को कर दिया गया था। तो अब इसी पे ये रूमर है कि ये डीले इसलिए हुई क्योंकि सोनी उसमें टॉम हॉलैंड को लाना चाह रहा है, और ऐसा हो सकता है कि मूवी में एनिमेटेड माइल्स मोरेलिस की मुलाकात लाइव एक्शन टॉम हॉलैंड से हो। अब ये काफी वाइल्ड रूमर है तो इस पे इतनी जल्दी यकीन मत करना, बट चूंकि ये मार्केट में चल रहा है तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अपडेट एक कास्टिंग अपडेट है। डेडलाइन की तरफ से ये न्यूज आई है कि वॉकिंग डेड में काम कर चुके एक्टर स्टीवन यून को आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में कास्ट कर लिया गया है, और उन्हें जिस रोल के लिए कास्ट किया गया है उसके बारे में बस इतना ही बताया जा रहा है कि वो रोल बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, इतना ज्यादा कि आगे आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में उस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब क्या है ये रोल, कौन है ये कैरेक्टर, ये कुछ भी रिवील नहीं किया गया। वहीं इसमें कुछ लोग कहने लग गए हैं कि ये सेंट्री होगा, तो इन सब को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट अपडेट एक गजब का रूमर है। तो इनसाइडर जेसन केन और केसी वॉल्श ने ये बताया है कि आने वाली विजन क्वेस्ट में हमें विजन की बेटी विवियन और अल्ट्रॉन का बेटा विक्टर मैनचा दिख सकता है। अब जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कॉमिक में विजन ने एक सिंथेसॉइड बनाया था विवियन नाम का, ताकि वो फैमिली के फीलिंग को समझ सके। वहीं अल्ट्रॉन के एआई को एक साइंटिस्ट मैरियानेला मैनचा के डीएनए से मिक्स करके एक नैनाइट पे चलने वाला बींग बनाया गया था विक्टर मैनचा नाम का। तो रूमर यही है कि ये दोनों विजन क्वेस्ट में नजर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट है कि अपकमिंग एक्समैन 97 सीरीज की डेट ऑलमोस्ट क्लियर कर दी गई है। ट्विटर पर ये अपडेट दिया गया है, जहां बताया गया कि ये सीरीज अभी भी फॉल 2023 पे ही शेड्यूल्ड है। इसके बाद शो के राइटर बॉ डेमाओ ने भी बताया कि अभी किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है और ये शो फॉल 2023 में ही आएगी डिज्नी प्लस पर। अब एक न्यूज आई है कि लास्ट मोमेंट रीशूट्स में क्वांटमेनिया का क्लाइमैक्स चेंज कर दिया गया था। एक्चुअली मूवी की असल क्लाइमैक्स कुछ और होने वाली थी, जिसे चेंज कर दिया गया। अब ये ओरिजिनल क्लाइमैक्स क्या थी, आओ वो बताता हूँ। एक्चुअल क्लाइमैक्स में स्कॉट और कैंग की फाइट हो रही होती है और होप उस फाइट को ज्वाइन करती है। हैंक, जैनेट और कैसी रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं, वहीं स्कॉट और होप जैसे तैसे कैंग को क्वांटम रेल में फंसाने की कोशिश करते हैं, बट कैंग तो बच जाता है, उल्टा स्कॉट और होप क्वांटम रेल में फंसे रह जाते हैं। यहां बाहर की दुनिया में हैंक सबको भरोसा दिलाता है कि वो सब मिलकर स्कॉट और होप को बचा लेंगे, वहीं क्वांटम रेल में होप स्कॉट को भरोसा दिलाती है कि कैसी जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेगी उन्हें ढूंढने का। तो देखा जाए तो ये एंडिंग थोड़ी सेंसिबल लग भी रही है। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एक्चुअल एंडिंग सही लग रही है या ये मूवी वाली। नेक्स्ट न्यूज है कि बिग स्क्रीन लिटिल स्क्रीन के साथ इंटरव्यू में वैलकरी की एक्ट्रेस टेसा थॉम्सन ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टर वैलकरी कैंग को हरा सकती है। अब ये कैसे होगा ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट उन्हें ऐसा लगता है कि कभी ऐसा कोई सीक्वेंस आया जहां कैंग और वैलकरी का सामना हुआ तो वैलकरी कैंग को हरा देगी। ये सुनने में बड़ा अजीब सा है, बट इस पे मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूंगा। अगली न्यूज है कि हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ बात करते हुए एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम
रोमेनिया के डायरेक्टर पेटन रीड ने बताया कि वो मूवी के प्लॉट को बहुत पहले ही क्लियर रखना चाहते थे, इस वजह से उन्हें कोई तरीका ही नहीं मिला माइकल पेना के लुइस को मूवी में रखने का। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई जहां वो लुइस को डाल पाते। वैसे लुइस के बिना क्वांटमेनिया अधूरी तो लगी, बट अब क्या ही कर सकते हैं। अब रिसेंटली मार्वल ने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स द आर्ट ऑफ द मूवी बुक को रिलीज, जिसमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए ऑल्टरनेट आइडियाज थे जहां वोंग, शैंग-ची और केटी कैरल और ब्रूस से बात कर रहे होते हैं और वोंग उन टेन रिंग्स के बारे में बता रहा होता है। अब इसमें 5 अलग तरह के सराउंडिंग्स को दिखाया जा रहा है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे मूवी में जिस सराउंडिंग को लिया गया था वो भी काफी अच्छा ही था। नेक्स्ट अपडेट है लोकी सीजन 2 से, तो दी कॉस्मिक सर्कस ने बताया है कि लोकी सीजन 2 में कैंग का अच्छा खासा रोल होने वाला है। क्वांटमेनिया से ही हमने देखा था कि कैंग का एक वेरिएंट जिसका नाम विक्टर टाइमली है वो तो लोकी सीजन 2 में दिखेगा ही, बट इस बार कॉस्मिक सर्कस ने बताया है कि ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 में कैंग के एक से ज्यादा वेरिएंट्स भी दिख जाएं, कॉज कैंग ऑलमोस्ट 3 एपिसोड में सीरीज में दिखाई देने वाला है। तो ऐसा लग तो रहा है कि लोकी सीरीज काफी हाइप अप हो रही है फ्यूचर को सेट करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कि जेसिका जोन्स का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टन रिटर ने इंस्टाग्राम में एक पिक शेयर की जहां वो लूक केज का रोल प्ले करने वाले माइक कोल्टर के साथ नजर आ रही हैं। अब ये पिक आते ही फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि क्या डिफेंडर्स वापस आने वाले हैं। अब मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि क्रिस्टन ने ऐसी कोई पिक शेयर की हो, एक्चुअली में दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो ऐसी पिक्स शेयर करते रहती हैं, बट लेट्स सी कि कब क्या हो जाए। अब अगली न्यूज काफी दिलचस्प है, तो टाइम के साथ इंटरव्यू में एवेटर के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने कहा कि वो थैनोस को काफी पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो तरीका था वो काफी रीजनेबल था। जेम्स ने आगे कहा कि बस प्रॉब्लम सिर्फ एक बात की होगी कि वो आधे लोग जो मरेंगे उनके लिए कोई आगे नहीं आएगा, यानी कि भैया जेम्स कैमरन उन्हीं लोगों में से हैं जो म्यूजिकल चेयर्स के गेम में एक एक्स्ट्रा बच्चा जिसे चेयर नहीं मिलता उसे गोली मार देते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। नेक्स्ट न्यूज है कि एक वक्त पर इवांजेलिन लिली एक्चुअली में वंडर वुमन बनने वाली थी। ये बात उन्होंने खुद बताई कि एक टाइम था जब जॉस वीडन वंडर वुमन की एक मूवी बनाने वाले थे और उसके लिए उन्हें अप्रोच किया गया था और उन्होंने उस रोल को मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त पर उन्हें ऐसा कोई रोल करने में कोई दिलचस्पी नहीं था। नेक्स्ट अपडेट है कि डेन ऑफ गीक के साथ इंटरव्यू में क्वांटमेनिया के प्रोड्यूसर स्टीफन ब्रुसार्ड से जब पूछा गया कि क्या फंटास्टिक फोर की मूवी में कैंग होगा, तो इस पे उन्होंने बताया कि एमसीयू का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जो कैंग के इफेक्ट में ना आया हो। यानी कि गाइस फंटास्टिक फोर की टीम भी अब कैंग के लपेटे में आने वाली है। वैसे ये कैसे हो सकता है, इस पर आपकी कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि पेंगुइन का रोल प्ले करने वाले एक्टर कॉलिन फेरेल ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि आने वाली पेंगुइन शो काफी डार्क होने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शो में जिस तरह का मेकअप यूज होने वाला है उससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। वैसे इस महीने की 27 या 28 तारीख से इस शो की शूटिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है कि इनसाइडर केसी वॉल्श ने ट्विटर में ये बताया है कि जोकर के सीक्वल में हार्ली क्विन का कैरेक्टर आर्कम असाइलम की ही एक पेशेंट होने वाली है। जनरली हार्ली की ओरिजिन स्टोरी में वो जोकर की डॉक्टर होती थी जो उसका इलाज करती थी, बट इस सीक्वल में दोनों ही पागल होने वाले हैं जो असाइलम में मिलेंगे। अब वॉलर सीरीज पे और कोई अपडेट आने से पहले डीसी स्टूडियो के ट्विटर से एक प्रोमो वीडियो पोस्ट किया गया अमांडा वॉलर को लेके, जहां जेम्स गन के दी सुसाइड स्क्वाड से भी ब्लड स्पोर्ट का एक सीक्वेंस फीचर किया गया। अब वॉलर सीरीज कहाँ पे पिक होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, बट वो पीस मेकर के सीजन 2 को जरूर सेटअप कर देगी। अब शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का एक स्क्रीन एक्सपोस्टर रिलीज किया गया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं इस मूवी को लेके एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में 43 मिलियन से 52 मिलियन डॉलर की डोमेस्टिक ओपनिंग कर सकती है। वैसे मैं बता दूं कि ये एस्टिमेशन ब्लैक एडम के ओपनिंग वीकेंड से भी कम है, यानी ऑन पेपर ये मूवी पिटने वाली है ये अभी से कह दिया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्यूरी ऑफ गॉड हिट होगी या फ्लॉप, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब एक काफी डिसअपॉइंटिंग अपडेट है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम से, तो मूवी के आधे दर्जन से भी ज्यादा टेस्ट स्क्रीनिंग किए गए एंड यही रिजल्ट निकला कि मूवी काफी टेरिबल है, बहुत ही वीक है और ये तक कह दिया गया कि शायद ये DCEU की वन ऑफ द वर्स्ट मूवी हो। अब इतने डिसअपॉइंटिंग न्यूज के बाद एक और खबर आई कि ऐसा अब साफ लगने लग गया है कि जेसन ममुआ खुद एक्वामैन के रोल को छोड़ने वाले हैं अपने लोबो के रोल के लिए। अब एक गजब की न्यूज है जेम्स गन की तरफ से, तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जेम्स गन ने ये बताया कि क्रीचर कमांडो और सुपरमैन लिगेसी ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके DCU का को CEO बनने से पहले से डेवलपमेंट में थे। जेम्स गन ने बताया
आया कि जब ब्लैक एडम में हेनरी कैविल दिखे उस वक्त डीसी स्टूडियोज एक मैन ऑफ स्टील का सीक्वल भी बना रही थी और सुपरमैन लिगेसी मूवी भी बन रहा था। अब सुपरमैन लिगेसी हमेशा से ही मैन ऑफ स्टील 2 से एक अलग मूवी होने वाली थी और जेम्स गन को 6 महीने पहले ही हायर कर लिया गया था सुपरमैन लिगेसी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। यानी ये काफी अजीब बात है भैया, जब DCEU चाहती थी कि वो मैन ऑफ स्टील 2 आए तो फिर ये एक सेपरेट सुपरमैन मूवी बनाने का क्या चुल था? और अगर जेम्स गन इतने पहले से इस पे वर्क कर रहे थे तो अब ये कैसे ना माना जाए कि ये बंदा पूरा मन बनाकर बैठा था मैन ऑफ स्टील 2 को स्क्रैप करने का। यार ये DCEU का लफड़ा गजब का चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। वैसे आप सबको याद होगा कि दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये बताया था कि सुपरमैन लिगेसी और नए DCEU में अपना क्लार्क 25 साल का होगा, जो कि काफी यंग एज है। बट ट्विटर पर जेम्स गन ने बताया कि उनके DCEU में क्लार्क अपने 40s एज से थोड़ा सा यंग होगा, यानी कि क्लार्क की एज वही लेट 30s की होने वाली है। अब पता है मैं जेम्स गन को क्या गरियाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस बंदे ने हेनरी को इस बात की वजह से कास्ट नहीं किया कॉज इसे एक यंग सुपरमैन दिखाना था, अब ये खुद क्लार्क को लेट 30s एज का दिखा रहा है। तो हेनरी की एज भी तो वही थी ना, मतलब यार ये बंदा क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, तो वो वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में बताना। वहीं लास्ट अपडेट ये है कि डेन ऑफ गीक के साथ इंटरव्यू में शज़ैम की एक्टर ज़ैकरी लिवाई ने बताया कि वो आगे आने वाले DCEU में रहेंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि शज़ैम का ये सीक्वल कितना सक्सेसफुल होता है। यानी कि भैया ज़ैकरी ने भी ऑलमोस्ट अपना सामान बांध लिया है कॉज फैंस तो इस शज़ैम मूवी में इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहे। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है, पीटर साफरान ने ये अनाउंस किया है कि दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे नई मूवीज बनने वाली हैं और वो एक से ज्यादा मूवीज होंगी। इट के प्रीक्वल वेलकम टू डेरी को अब HBO मैक्स पर हरी झंडी दे दी गई है। तो गाइज अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के लिए हांजी जोए और कैप्टन लीवाई के कैरेक्टर विजुअल्स रिलीज किए गए हैं। वहीं उमा मुसुमे सीजन 2 के की विजुअल्स और एक ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये एनिमे इसी साल आ रही है। साथ ही एमिनेंस इन शैडो के सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और इसके टीजर ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। और ईडन्स जीरो के सेकेंड सीजन से एक की विजुअल रिलीज किया गया है, साथ ही लेवल 1 डीमन लॉर्ड एनिमे से एक की विजुअल और एक नया टीजर ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है और ये एनिमे इसी साल ब्रॉडकास्ट होगी। आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एनिमे से उसका मेन ट्रेलर रिलीज किया गया है और इसे 6 अप्रैल का रिलीज डेट दे दिया गया है। वहीं तेंशोरा एनिमे का थर्ड सीजन 2024 में आएगी। साथ ही टावर ऑफ गॉड मानवा अब हियाटस से वापस लौट चुका है और अब ये एपिसोड 134 से रिज्यूम होगा। तो गाइज ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।